अब हम नेक्स्ट आई मेकअप किसका डिस्कस, मेरा ख्याल से तुमने कंप्लीट कर लिया है। तुम जो मगन होके लगी हो, तुमने एक बहुत डिफरेंट कलर को चूज किया, लाइक ग्रीनिश गोल्डनिश कुछ कलर है जो आंखों पे मुझे नजर आ रहा है, उसके बारे में जरा तबसरा करें। सो सबसे पहले जो है वो मैंने अपना जो मेरा ये मैट न्यूट्रल्स का पैलेट है, ये भी समवट नया भी लॉन्च हुआ है। तो इसके अंदर से मैंने जनरली इनकी आंखें इसी पैलेट से बनाई हैं, और मैंने जो है जिस तरह का ये इस किस्म का फ्लफी ब्रश लेके सबसे पहले मैंने जो ये वाला पिंक शेड है ये इनके नीचे बंद करो, ये मैंने इनकी पूरी क्रीज पे किया। तुमने शुरुआत इससे की, पिंक से तुमने क्रीज दी पहले। शुरुआत इससे की, शुरुआत जो लाइट कलर है। उसके बाद फिर मैं एक और छोटा ब्रश लेके फिर मैं ये पर्पल की तरफ गई, फिर मैंने हल्का सा कॉर्नर किया पर्पल से। ये वहीं जहाँ पिंक लगाया था वहीं पर्पल भी लगाया? नहीं, सिर्फ कॉर्नर में लगाया। कॉर्नर में लगाया और लोअर लैश लाइन पे, ऊपर देखो लोअर लैश लाइन पे पर्पल लगाया पूरा अंदर तक। अच्छा, उसी वक्त? हाँ, जब पर्पल लिया तो फिर पर्पल कॉर्नर पे लगा के पर्पल नीचे भी कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल एक टच ऑफ यू नो डॉट थोड़ा सा ब्लैक लेके बिल्कुल इसको जो है ना यहाँ कॉर्नर में कर दिया। और ये भी तभी हो रहा है जब पिंक पर्पल यूज हो रहा है, क्योंकि ये एक ही पैलेट है ना, तो ये एक ही पैलेट में से ये सारा मतलब एक कलर उठाया दूसरा कलर, यानी कि मैं अगर समझूं कि आजकल ये ट्रेंड है कि पहले आउटलाइन बना लो बिल्कुल, उसके बाद अंदर फिलिंग शुरू करो। क्योंकि फिर एंड में जो है वो मैंने अपना अगेन ये भी नया आया है ग्लिटर, और ये ब्लिंगल ग्लिटर है जो कि प्रेस्ड ग्लिटर है, प्रेस्ड ग्लिटर है ये, और गोल्डनिश मिंट, इसका कलर है मिंट। सो ये आईशैडोज थे नादिया, आर दे सेम? हाँ नहीं, लास्ट कलर्स कलर्ड वो शिमर था, ये हर दफा कुछ नया लेकर। हाँ, ये वो शिमर था और अब ये ग्लिटर है। अच्छा, लूज ग्लिटर भी आया है मेरे, और लूज ग्लिटर में जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि लूज ग्लिटर में जैसे कि ये गोल्ड है शेड, ये जैसे कि गोल्ड है, ये लूज ग्लिटर है। अच्छा, ये लूज ग्लिटर जैसे तुमने दिखाया था वो लूज ग्लिटर था जो तुमने सीलर के साथ लगाया। ये सीलर मेरे पास, ग्लू भी इसकी है, सीलर भी इसका है, और फिर ये प्रेस ग्लिटर है। तो बेसिकली मैंने फिर क्या किया कि ये अपनी फिंगर के साथ लेके ना इनकी आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा लगा लिया, और ये जो फिर इनकी आंखें जो हैं वो रेडी हो गई। उसके बाद फिर मैंने लाइनर इनको दिया, फिर मैंने अपनी लैशेस दी जो कि मेरी न्यू पैलेट है लैशेस की, ये मैंने ये मेरी क्वीन बी लैशेस का पैलेट है। ठीक है, उसमें से मैंने ब्राइड को भी लगाया है और उससे छोटी साइज मैंने इनको लगाया है। हाँ ना, मतलब बहन भी कभी तो हक के लैशेस लगा। हाँ, क्यों नहीं। और वो इनको मैंने कॉर्नर हैवी थोड़ी सी दी है। और अभी जो है वो मैं इनको मैंने मस्कारा अभी मैं थोड़ा सा और इनका करूंगी प्रोनाउंस, और उसके बाद फिर मैं लिप पे आ रही हूँ अनहर में। बड़ा मजे का हुआ। अब ये देखिए मुझे समझ आ गया, आई गेस आपको भी समझ आ गया होगा। नादिया ने सबसे वो पैलेट उठाओ, नादिया पहला वाला मैट वाला वो मुझे दे दो, तुम अपना काम करती रहो, क्योंकि मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। नादिया ने सबसे पहले, नादिया तुमने कौन सा पिंक दिया था? ये वाला, ये वाला। नादिया ने जो आउटलाइन बनाना शुरू की पूरी आंख पे, वो क्रीज जो है उस क्रीज के ऊपर इस पिंक से खेलना शुरू किया। उसके बाद ये पर्पल लिया जिसमें उसके कॉर्नर्स और अंडर आई भी आ गई, फिर उसके बाद पिंच ऑफ ब्लैक लिया जिससे कॉर्नर्स दिए, और फिर मजेदार जो कलर था ये वाला, क्या नाम है इसका, मिंट। मिंट को ये जो अंदर आंख की फिलिंग थी सारी वो इस कलर से की, जो इसको क्या आईलेट, आईलेट जो है उसके ऊपर लिखी, फिर उसके बाद लैशेज एंड लाइनर और मस्कारा, ये वाली चीजें। तो एक बड़ा मजेदार आपको कॉम्बो नजर आ रहा है आंखों पे। इन्होंने बहुत सारे कलर्स यूज किए हैं, लेकिन इनको ब्लेंडिंग और इनकी एप्लीकेशन इस तरह हुई हुई है कि दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। वरना ये होता है कि नॉर्मली जब बहुत सारे कलर्स लोग लगाने तो गोला गंडा टाइप बना तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन से कलर से स्टार्ट लेना है, कौन सा कलर जो है वो ट्रांजैक्शन है, कौन सा आपने आईलेट पे देना है। वेरी ब्यूटिफुली 3-4 कलर्स को मिक्स करके ये आई बनाई गई है। ये एक लर्निंग है जो इस वक्त यू नो। हाँ, थैंक यू। आई एम अ फैन ऑफ हर मेकअप। ओह वाह। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahoolat.